नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे पहले टेस्ट मैच में ही श्रेयस अय्यर को दिखी खतरनाक चुड़ैल। श्रेयस अय्यर ने तुरंत कप्तान को बताया। जी हां, आपको बता दें, टीम इंडिया इन दिनों न्यूजीलैंड की टीम से टेस्ट मैच खेल रही है और ये मैच दोस्तों कानपुर में खेला जा रहा है, जहाँ पर टीम इंडिया काफी मजबूत मानी जा रही है। और टीम इंडिया ने पहले दिन जिस तरह का खेल दिखाया है और खास करके श्रेयस अय्यर ने, वो रियल में काफ़ी कारगर है। लेकिन इस मैच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, आपको बता दें, अगर टीम इंडिया अचानक से इस मैच को हार जाती है तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि इस मैच में अभी हाल ही में देखने को मिला है कि बीच मैच में श्रेयस अय्यर के साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके बाद तो श्रेयस अय्यर को खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा। श्रेयस अय्यर का मानना है कि इस मैच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखने के बाद श्रेयस अय्यर खुद भी बहुत शॉक्ड है। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने कहा कि बीच मैच में उन्होंने एक बेहद ही खतरनाक आत्मा को देखा। इतना ही नहीं, श्रेयस अय्यर ने इसके बाद जो बातें कही उससे सुनने के बाद तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्रेयस अय्यर ने कहा कि बीच मैच में ही ऐसा लगा उन्हें उनके गाल पर किसी ने जोर से तमाचा मारा, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जब आंखें खोलकर सामने देखा तो वहां कोई था ही नहीं। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक महिला को देखा जो कि श्रेयस अय्यर के सामने से गई और वो बेहद ही डरावनी थी। इसके अलावा उसके मुंह पर ब्लड भी लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद श्रेयस अय्यर को समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। और थोड़े ही देर बाद वो महिला श्रेयस अय्यर के सामने से गायब हो गई। ये देखने के बाद तो श्रेयस अय्यर पूरी तरह से घबरा गए और श्रेयस अय्यर को कुछ भी नहीं समझ में आया एक पल को कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद श्रेयस अय्यर के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। ये सुनने के बाद श्रेयस अय्यर ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर श्रेयस अय्यर ने किसी को भी नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक परछाई नजर आई। ये तमाम चीजें देखने के बाद श्रेयस अय्यर को ये एहसास हो गया कि बीच मैच में ही कुछ ऐसी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, जिसके बाद श्रेयस अय्यर को एहसास हो गया कि यहां पर खेलना खतरे से खाली नहीं है। और फिर श्रेयस अय्यर ने वो किया जो सभी खिलाड़ी मुसीबत के समय पर करते हैं। जी हां, श्रेयस अय्यर ने सबसे पहले कप्तान से बात की और अजिंक्य रहाणे से बीच मैच में ही मैच को रोककर बात की। अजिंक्य रहाणे ने श्रेयस अय्यर को मोटिवेट किया और कहा कि ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है, तुम खेलो, डरो मत। जिसके बाद श्रेयस अय्यर एक बार फिर से खेलने लग गए, लेकिन इसी तरह की परेशानी उन्हें एक बार फिर से हुई। तो इस बार श्रेयस अय्यर ने अंपायर से भी बात की और उन्होंने कहा कि इस मैच में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा और ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर को कोई खतरनाक आत्मा परेशान कर रही है। जिसके बाद दोस्तों मैच को थोड़े टाइम के तक के लिए रोकना भी पड़ा और अंत में शाम को यह भी देखने को मिला कि मैच को बेहद ही जल्द रोक दिया गया, क्योंकि खिलाड़ी काफी डरे हुए थे और खिलाड़ियों का मानना है कि इस ग्राउंड पर कुछ भी ठीक चल नहीं रहा, जिसकी वजह से बीच में ही मैच को रोक दिया गया। अभी कुछ ओवर बाकी ही थे तभी पहले ही मैच को रोक दिया गया। तो श्रेयस अय्यर का इस तरह का बयान आया है और श्रेयस अय्यर का मानना है कि इस ग्राउंड पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और उन्होंने खतरनाक आत्मा को देखा है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।